शहर की यातायात व्यवस्था इस समय पूरी तरीके से धड़ाम हो चुकी है। शहर की गलियों पर चलने वाले राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अंदर बने दर्जनों मॉल के सामने रोड पर ही चार पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहनों का स्टैंड बन गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, उनको इन सड़कों पर लगने वाले जाम नजर नहीं आ रहे। वहीं सीओ इंद्रपाल सिंह की माने तो यातायात के लिए सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है, जो नियमों का पालन नहीं करेगा उन वाहनों का चालान काटा जा रहा है और जो भी व्यवस्थाएं की गई है वो सुचारू रूप से चल रही है। जो जाम की समस्या है उसके लिए भी एक क्रेन की व्यवस्था की गई है। देखिए, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि आपको डिग्री कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक पहुंचने में 2 घंटे का समय आपके पास होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस रायबरेली में नियुक्त सभी अधिकारियों को कर्मचारियों की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मीटिंग की गई थी और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शहर क्षेत्र में या प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख बाजारों में जहां भी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की ड्यूटियां रहती हैं वहां पे जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरे द्वारा भी एक क्रेन को गश्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ और जो भी नो पार्किंग एरिया हैं, नो स्टैंडिंग एरिया हैं, जहाँ पर दोपहिया चार पहिया वाहन पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उनका जुर्माना काटा जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/